great moment, pride for everyone, every student or faculty member of DAV6, that we are honored with the presence of these dignitaries. ये हमारे भारतीय थल सेना से चक्र साधे जी हैं। ये एसके सिंह जिनको हम बालाजी के नाम से जानते हैं और ये मासर से लेकर के कसरत के लड़ाइयों में हिस्सा रहे हैं। ये हमारे मनोज कुमार खानी हैं भारतीय वायुसेना से जो मेडिकल कोर्स हमसे सवाल किए थे, अभी पंजाब नेशनल बैंक में है। ये हमारे शत्रुघ्न जी हैं जो भारतीय थलसेना का हिस्सा है और भारतीय वायु के हीरो हैं। ये हमारे भारतीय नौसेना से राजन सिंह हैं जो अभी बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं और कारगिल विमान के अभी हीरो हैं। ये पेटी ऑफिसर राकेश मिश्रा जी हैं जो भारतीय नौसेना से हैं। मैं दिनेश्वर सिंह भारतीय वायुसेना से और श्रीलंका ऑपरेशन कारगिल वार और पराक्रम का हिस्सा रहा। एक सैनिक अपने बच्चों से बात करता है, जय हिंद जय हिंद। मुझे लगा नहीं कि मैं अपने देश के नौनिहालों के बीच खड़ा हूं। मेरी आवाज को काउंटर करने का प्लीज कोशिश कीजिए, जय हिंद जय हिंद। लगा अपने देश के उन बच्चों के साथ खड़ा हूं जो कल की तारीख में हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करने से पीछे नहीं हटे। आप लोगों को विद्यालय के अंदर बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती होंगी, इसमें युद्ध के बारे में भी बताया जाता होगा। मैं थोड़ा से अलग हट के बात करूंगा। 1971 वार के बारे में बहुत सी चीजें आपको बताई गई और आप लोग यहाँ बैठे होंगे तो जरूर सोच रहे कुछ ऐसी जानकारी मिले जो किताबों में शायद नहीं है, तो मैं दो चार चीजें वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको यह लगे कि यस हमें कुछ नया सीखने को और जानने को मिला। तो चलिए चलते हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से नहीं बल्कि भारतीय सेना की तरफ से 1970 वार की उस पृष्ठभूमि में जहां पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और अत्याचार से तकरीबन 90 लाख लोग रिफ्यूजी बनकर के भारत में घुसे और वो सभी बंगाली हिंदू थे और उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निर्णय था और उस युद्ध में जो पहला दिन था 3 दिसंबर 1971 उस दिन पाकिस्तान ने हमारे 11 वायुसेना के ठिकानों पर एक साथ अटैक किया था। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 11 हवाई अड्डों को एक साथ निशाना बनाया और ये सोच करके बनाया कि शायद भारतीय वायुसेना कल से अटैक नहीं कर पाएगी, लेकिन वो कितना उनका सोचना विफल रहा कि उस पहली घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने विश्व इतिहास रच दिया। आप लोगों को शायद नहीं जानकारी हो, हवाई जहाज जब एक बार उड़ान भर करके वापस लौटता है तो उसको एक सॉर्टी बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में आपने पढ़ा वर्ल्ड वॉर 2 काफी दिनों तक चला था, पूरी दुनिया उसमें शामिल थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 में एक दिन में जितने सॉर्टीज नहीं सॉरी पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी सॉर्टीज एयरक्राफ्ट ने की थी उससे ज्यादा 500 से ज्यादा सॉर्टी भारतीय वायुसेना ने एक दिन में किया और पाकिस्तान को अगले दिन से उठने का मौका नहीं दिया और उसका परिणाम यह रहा कि 11 दिन में और 13वें दिन भारत जीत गया था। 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के जनरल अरोड़ा के सामने समर्पण किया। यह विश्व के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी। 1971 का वार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वार जो है इतिहास के पन्नों में तो अंकित है
लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि इतिहास का पार्ट है, बल्कि इसने दुनिया का भूगोल भी बदल दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहला देश जो अस्तित्व में विश्व के नक्शे पर आया वो बांग्लादेश था। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी उस सेना ने जिसके ये सैनिक यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ उसका हिस्सा रहे हैं, विश्व का भूगोल बदलने की क्षमता रखने वालों के बीच आप बैठे हैं। हमारे देश की सेना के पराक्रम का एक छोटा सा आपके सामने आरेख। हमारी सेनाओं में क्षमता क्या है आज दुनिया जानती है, और हम क्या कर सकते हैं ये दुनिया ने देखा है। 62 के वार में हमारे देश में बॉम्बर नहीं थे, लेकिन हमारी सेनाओं का जज्बा वो है कि हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करके दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास जज्बा वो है कि हम जहाज के मोहताज नहीं, हम अपने हाथों के धनी हैं, हम अपनी कलाओं के धनी हैं। भारतीय नौसेना आज के तारीख में आपने सुना होगा विक्रम हमारी भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण अंग बना है। आज हम इन तीनों सेनाओं के बल पर दुनिया के किसी भी देश को अपने तरफ आंख उठाकर देखने की सोच से भी बाहर रखे हुए हैं। आप ये जान लीजिए विश्व समुदाय आज की तारीख में ऐसा है जिसे मालूम चल जाए कि मैं उस देश को दबा सकता हूं, वो दबाने से कभी चुकेगा नहीं। लेकिन आज अगर हमारे देश की तरफ कोई आंख नहीं उठा पाता है, इसका मतलब यह है कि हमारी सेनाएं इतना सुरक्षित है और हमारे जवान और हमारी सेना इतनी मजबूत है। दो दिन पहले जो आपने तवांग में सुना या इसके पहले गलवान या कहीं और सुना होगा, आपने देखा होगा कि आज की तारीख में हमारी सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देना ही नहीं जानती है, बल्कि ईंट के बदले पत्थर फेंकना सीख गई है। तो हमारे हाथों को अगर बांधा ना जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन हमने कभी फतह करना सीखा नहीं, हमने खुद को बचाना सीखा। हम सही पहमेदर्श में कहा जाता है कि हम युद्ध की भूमि नहीं बुद्ध की भूमि है, तो हम इस दुनिया को दिखाते भी हैं। खैर, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो हमारे सैनिक हमारे बीच बैठे हैं, इन सैनिकों में से आपको बहुत देखे होंगे काफी उम्र के हैं, और तीन तले पर चढ़कर आते समय एक दो लोगों के मुंह से आवाजें भी आ रही थी कि इतना चढ़ जाएंगे क्या, चलकर आ पाएंगे क्या। तो मैं ये कहूंगा कि इनकी उम्र बढ़ना तो चाहिए, उम्र बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, और अगर ये महसूस ना करे तो फिर बढ़ती ही कहां है। सेना का और सैनिकों का परिचय में जरूर देना चाहूंगा अपने शब्दों में कि हम भारतीय सैनिक हैं, चाह नहीं इस गान की, हम भारतीय सैनिक हैं, परवाह नहीं जयगान की, हम धरा के पुष्प हैं और आराध्य माता भारती, आराध्य माता भारती। हम भारतीय के चरणों में चढ़ाए गए हैं, जिसके लिए हमें किसी इस गान और जयगान की कोई जरूरत नहीं होती है। बस मैं यही कहूंगा ये साल जो छोड़कर जा रहा आपके लिए कुछ तैयारियां हैं, बंद किताब में रखे सुर गुलाब की तरह, आने वाला कल, आने वाला नया साल लेकर आए सौगात है आपके लिए, ख्वाब में रंगे सुनहरे अफ्ताब की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। So much giving respect. So this 16 December, it was starting the some 3rd March 1971, when a Prime Minister of East Bangladesh, Mr. Mujibur Rahman, was stated for the coming Prime Minister for both the East and West Pakistan. Right. But the East Pakistan, the West Pakistan. Didn't want it to be Rahman would be the Prime Minister of East Pakistan. Why? Because he's from East Pakistan, and there are some the people of East Pakistan were very nationalist, and they were thinking about their nation. But the people of West Pakistan were not as well nationalist as East Pakistan. So the West Pakistan started
pushing the East Pakistan that Mr. Rahman would not be the Prime Minister of Pakistan. Then, for in this conflict, there were more than 30 lakh people were killed. More than 30 lakh people were killed in 1 month after the declaration that Prime Minister Mr. Rahman is going to be the Prime Minister of both East and West Pakistan. This why they killed? Why they killed people of East Pakistan? Because those people need the separate nation. The East Pakistan people need, wanted to be a separate nation. Mr. Rahman also wanted to be a separate nation because managing, controlling and administrating both the East Pakistan and West Pakistan was very difficult. We cannot control Bukaro and some Bangalore from one place. So their demand was actually real. So why we came into the war? Why India came into the war? Anybody knows why? The conflict was between East and West Pakistan. Our Prime Minister, that time Prime Minister was Mrs. Indira Gandhi. So there was no role. But we are India. We are India. Neighboring country was killing more than 5,000, 5 lakhs rape were happening in 1.5 months. Right? More than 30 lakhs people were killed. This was a mass massacre. This was against the humanity. And being responsible people, being a responsible citizen, being a responsible neighbor, being a responsible friend, being a responsible country. Our Prime Minister, Indira Gandhi, came into between this killing, came into the mass killing, came into the 30 lakhs killing of these people. They gave a prayer, she ordered to attack on. I joined maybe in 2000. Then I joined somewhere, yeah, you, the 19 students may study about submarine, how submarine dive, how submarine move inside, how submarine come up with the help of blast tanks, right? The submarine dives into 500 meters below the water, away from our Indian coast, up to 30 kilometers, 40 kilometers, or 1000 kilometers away from our coastal area to protect the national boundary, right? So, I used to go into the water for more than 62 days was my record. So for 62 days, there was no fresh air. Can you believe? You are sitting here in fresh air, right? You are sitting on the chair, right? You are getting fresh air. If you go outside in the ground, you get the sunlight, vitamin D, right? But if you not get fresh air, your body will be supposed to get, right? If you not get sunlight for 62 days, your body will be very, very weakened, right? This is the first. We are, the survivor used to live against the nature. Aryan Nikhil. सर युद्ध के दौरान माहौल कैसा होता है और जब आपने फर्स्ट टाइम किसी पर बुलेट चलाया था या नहीं भी चलाया था तो आपको कैसा फील हुआ था? हमारे ट्रेनिंग के बाद हमारे अंदर क्या कल्टीवेट हो जाता है, एक आम आदमी को अगर चोट लगे तो क्या बोलेगा? युद्ध में एक जवान के आंख में गोली का छर्रा लग गया, उसकी आंख चली गई, एक ही आंख बचा। तो नॉर्मली अगर आपको कोई दुर्घटना हो और या फैक्ट्री में काम करते हो का एक आंख चली जाए तब सारी जिंदगी कोसेंगे कि फैक्ट्री में रही था लेकिन उस जवान से जब कहा गया कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है तो उस जवान ने कहा कि सर पहले मुझे बहुत दिक्कत होता था, अब मेरे लिए बड़ा आराम हो गया। कहा कैसे? और पहले सर गोली चलाने के पहले एक आंख बंद करनी पड़ती थी और दूसरे से निशाना लगाना पड़ता था, अब तो एक आंख परमानेंट बंद है, सिर्फ निशाना लगा और बोले मारे। एक मैसेज आया मास एयर अटैक सस्पेक्टेड फ्रॉम सोवियत ओरिजिन, यानी कि पाकिस्तान की ओर से जो मास एयर अटैक होगा कारगिल के समय की बात बता रहा हूं। तो उस अटैक का पहला टारगेट वो जगह थी जिस जगह मैं खड़ा था। अगर मास एयर अटैक होता
तो हम आपके सामने आज नहीं होते। तो मैसेज आया, मैसेज आने के बाद में हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने कह दिया कि भाई जितने इस इनिशियली ड्यूटी पर जरूरी है वो यहाँ रुके रडार के पास में और बाकी ट्रेंचेज में चले जाए। तो मैक्सिमम लोग चले गए। तो हमारा एक कुक था, ध्यान दीजिए कुक था, ही वॉज नॉट डेप्यूटेड फॉर वार, उसको लड़ाई का हिस्सा नहीं होना था, लेकिन वो हमारे साथ कुक था, खाना बनाकर खिलाता था, वो चाय बनाकर पिला रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे, हमारे सीओ ने कहा कि अटैक का टाइम हो चला है, सो आप थर्मस में चाय रख करके आप ले जाओ। तो बोला कि सर सुनिए, अब जज्बा का बात पूछा ना, जज्बा क्या होता है? तो सैनिकों के अंदर या युद्ध के मैदान में जज्बा कैसे उभरता है? उस कुक ने कहा कि सर कहां जाऊं और किस लिए जाऊं, क्या इसलिए कि कल मैं बचा रह जाऊं? यकीन मानिए सर, और जरा सोच करके देखिए, अगर कल की तारीख में आप लोग ना रहे, कल की तारीख में अगर आप ना रहे तो क्या मैं रहकर भी रह पाऊंगा? सो मुझे जाने के लिए मत कहिए। तो वो कुक जिसे जाने को कहा गया, वो जाने को जब तैयार नहीं हुआ, तो सैनिक के अंदर जज्बा क्या हो सकता है उसका अंदाजा। सर जब आप लोग का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होता है तो सर आप लोग को कैसा लगता है? मतलब आप लोग के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो फौज में जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, किसी का अलग अलग सपना हो, तो जो बचपन से रहता है जिसके अंदर मुझे फौजी बनना है, उसी का सिलेक्शन हो पाता है। अब हो जाने के बाद आपने जैसा नॉट ओनली डिफेंस, उसके बाद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो कि अभी तक देखिए 82 साल की उम्र में भी ये लोग निभा रहे हैं। समाज को एक अच्छा माहौल देना, समाज की समाज का बैलेंस रखना कि किधर गलत काम क्या हो रहा है, कैसा एक अच्छा सौम्य वातावरण रखना समाज में, ये हमारा फौजियों का लाइफ टाइम का जिम्मेवारी हो जाता है। इसलिए ये नहीं कि जब तक हम डिफेंस में जिम्मेदार हैं, हम सोसाइटी आने के बाद भी, जैसे बोला जाता है ना, फौजी कभी रिटायर नहीं होता, सही बात है, वहां छोड़ के आए, यहाँ सोसाइटी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके साथ रहती है। जब आप घर में हो, सोसाइटी में हो, बस में है, ट्रेन को लगता है हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये हम एक फौजी हूँ, थोड़ा दुआ हम थोड़े मोटिवेट कर सकते हैं। वंदे मातरम, वीर सैनिक अमर रहे, अमर रहे।